हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटोकार्ट से। दोस्तों आज हम लेके आए हैं सेलिस्ट्रॉन का अस्ट्रो मास्टर 70 AZ विद स्मार्टफोन एडिटर एंड मून फिल्टर। दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कलरफुल बॉक्स है, काफ़ी बेहतरीन है। सेम आस्ट्रो मास्टर 70 AZ है, बस कंपनी ने कम्बो बना दिया है इसको फोन एडिटर डाल के और मून फिल्टर डाल के। तो वीडियो तो इसकी अनबॉक्सिंग बनी हुई है, बट क्या है कम्बो वाले ऑफर की जानकारी आपको दे सकूं इसलिए मैं इसकी वीडियो दोबारा बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दे रखी है कंपनी ने, यहाँ पे भी देखो सब लिख रखा है क्या क्या इसके अंदर आता है और क्या क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम इसे खोल रहे हैं। दोस्तों ये सारी एक्सेसरीज इसके अंदर निकलेगी। ये है सीडी कैटलॉग और नाइट स्टारी नाइट, इसमें जो बारकोड होता है वो सारे पेपर वर्क इसके अंदर है। तो आप इसे जो भी परचेज़ करें इनको पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, मैनुअल वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है फ्रेंड, ये ट्यूब है 70 mm का ट्यूब है, हमारा अपर्चर 70 mm है, फोकल लेंथ जो है ये 900 mm है और ये हैवी ड्यूटी स्टील फोटोग्राफिक ट्राईपॉड है। ये डायगनल है, दो आईपीस आते हैं 10 mm 20 mm, रेड डॉट फाइंडर स्कोप, ये स्क्रू ड्राइवर है। ये दो एक्सेसरीज जो है अस्ट्रो मास्टर 70 AZ में कंपनी ने ऐड की है, एक मून फिल्टर और एक स्मार्टफोन अडेप्टर, ये एक्सेसरी ट्रे है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है इसे असेंबल करना, सिर्फ फोटोग्राफिक ट्राईपॉड को अपन को इसको खोलना है इस तरीके से, सिंपल सा इसे हमें खोलना है। ये लैग जो है वो तीनों में एक बार खोल देता हूँ। इस तरीके से सिंपल सा मैं आपको पूरा, थोड़ी जगह कम है फ्रेंड, तो ये इस तरीके से खोलने के बाद सिंपल सा ट्राईपॉड खोलने के बाद आप विद इन मिनट में इसे असेंबल कर सकते हैं। दो ये स्क्रू दे रखे हैं यहाँ पे, इनको लूज कीजिए फ्रेंड, और लूज करने के बाद हमारा जो ट्यूब है 70 mm का उसको यहाँ पे स्लाइड करना है बस, और कुछ नहीं। डॉप्टल प्लेट इसमें नीचे लगा हुआ आता है ऑरेंज कलर का, मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। ये ट्यूब है हमारा 70 mm का, 900 mm का फोकल लेंथ है, ये डॉप्टर प्लेट के साथ में आता है, डॉप्टर प्लेट के साथ में आता है, इसको इस तरीके से स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद इजीली दोनों स्क्रू को हमें टाइट कर देना है, दैट्स इट। आप अपना आईपीस डायगनल लगाइए और इस टेलीस्कोप को इंजॉय कीजिए। तो ये वाला मॉडल जो है बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज मॉडल है, बहुत ही फ्रेंडली मॉडल है। ठीक है फ्रेंड, सिंपल सा ये रहा हमें। यहाँ पे डस्ट कैप वगैरह होती है वो आप हटा लीजिएगा, हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप 20 mm का आईपीस यूज करिएगा जिससे आपको ऑब्जेक्ट मिलने में बहुत मदद मिलेगी। ये रहा फ्रेंड, ये प्रॉपरली अस्ट्रो मास्टर 70 AZ है मैंने जैसा बताया आपको, और सिर्फ यहाँ पे ये एक लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को जब हम लूज करेंगे तब ये मूवमेंट हमारे करने लगेगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये वीडियो लॉक देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिख जाएगा। ये लॉक को अगर मैं टाइट कर दूंगा तो ये एक जगह पर होल्ड हो जाता है, तो अभी हम इसको लूज रखते हैं, मेरे को आपको दिखाना है। सिंपल सा इस तरीके से ये जो पोजीशन है ये नोव से इससे टाइट होता है, अगर आप लूज कर देंगे तो ये पूरा, एक मिनट देखिए, ये इस तरीके से ये मूवमेंट होना चालू हो जाएगा, और जब अगर हम इसको टाइट कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ये जो एक्सेसरी ट्रे है ये आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो आपके आईपीसीस वगैरह हैं वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं, आपको इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि देखो गलती से मेरे से गिर गया, तो आप दीपक सर उठा के दे दीजिएगा मुझे प्लीज़।
तो इस तरीके से यहाँ पे इजीली हमारे कैरी कर सकते हैं अपनी एक्सेसरीज जो हमें इसके साथ में आई हुई हैं। ये है फाइंडर स्कोप लगाना है, सिंपल सा है। ये जो स्क्रू ड्राइवर कंपनी ने साथ में दिया है, इससे ये दो स्क्रू हैं इनको लूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फाइंडर स्कोप यहाँ कसने के बाद यहाँ पर एक पन्नी लगी होती है जो बैटरी डिस्चार्ज होने से रोकता है। इस जब आप हटा देंगे तभी ये बैटरी वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी। तो ये पन्नी हटा देना है, ऑन ऑफ का बटन ये दे रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और आईपीस को मैच करने के लिए हमें पॉइंटर को, जो रेड डॉट पॉइंटर को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करना होता है, उसके लिए ये दो बटन दे रखे हैं। एक बटन यहाँ दे रखा है और एक बटन यहाँ दे रखा है। इससे आपका जो रेड डॉट है उसको आप अपनी पॉइंट या ऑब्जेक्ट पे ले जा सकते हैं। तो लेफ्ट राइट और अप डाउन करने के लिए ये दो बटन यहाँ दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये मॉडल है। और उसके बाद ये है स्मार्टफोन अडैप्टर, इसको भी इस्तेमाल करने का बहुत इजी है फ्रेंड। यहाँ पे दे रखा है, इसको जस्ट सिंपल सा आपको लूज करना है। और लूज करने के बाद आपने ज़्यादा लूज हो गया, वहाँ से गिर गया। ठीक है, कोई भी आईपीस, जैसे ये आईपीस है 10mm का, सिंपल सा आईपीस यहाँ रखिए इस तरीके से। और यहाँ पे आपको टाइट कर देना है। अच्छे से जब टाइट हो जाए यहाँ पे आपको उसके बाद मोबाइल होल्ड करना है। मोबाइल होल्ड करने के लिए सिंपल सा ये जो इसके साइज को हम बड़ा कर लेंगे, जो भी आपका मोबाइल है, जितने भी उसमें आपका मोबाइल साइज में आता है, यूनिवर्सल है ये, छोटे बड़े मोबाइल आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इस पे अपना फ़ोन लगा के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपका मोबाइल लग जाएगा। मोबाइल का कैमरा जो है वो आपको आईपीस पे रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसको हम और नीचे करते हैं। यहाँ पे हम कस देते हैं, अब ये हमने लगा दिया है। नीचे स्क्रू है, ज़्यादा लूज होने हो जाएगा स्क्रू, तो ये यहाँ से निकल आता है बाहर। तो इसको दोबारा से HT हम यहाँ पे रख के कस लेंगे। अब जैसे कि आप ये स्क्रू इसलिए दे रखा है कि हमें हमारे कैमरे को और आईपीस पे मैच करना है, तो इसकी डायरेक्शन को रखना हो चेंज करना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस आईपीस को यहाँ पे अपने DSLR के कैमरे पे ले जाके और यहाँ इसे हमें टाइट कर देना है। दैट्स इट, इस तरीके से टाइट कर देना है। अब सिंपल सा ये हमें आईपीस कोई भी है जहाँ पर आईपीस लगता है उस तरीके से इसे निकालेंगे और HT हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। दैट्स इट सर, इस तरीके से आपको फ़ोन अडैप्टर अपना इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में आपको मून फिल्टर जो दे रखा है कंपनी ने, उसे कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये है मून फिल्टर, और मून फिल्टर को सिंपल सा यहाँ पे लगाना होता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से जब आप इसे घुमाएंगे तो ये स्लाइड होके दिखा देते हैं हम आपको। इसमें साथ में दे रखा है, आप इस तरीके से मून फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लगता है मून फिल्टर, काफ़ी कस्टमर्स से कॉल आते हैं कि सर मून फिल्टर कैसे लगाना है, मालूम नहीं होता है। हमने भी एक दो बार ट्राई करने के बाद ही मालूम हुआ। इस तरीके से मून फिल्टर लगाना है और आपको ये यूज करना है। तो दोस्तों ये है, इसका सेटअप बहुत ईजी है। मैंने पहले भी वीडियो इसकी सेम बना रखी है, बट वो विदाउट फोन अडैप्टर और मून फिल्टर था। तो ये नया मॉडल आया था कम्बो में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। आप जिस किसी को दोनों ही चीज़ें बेसिक है, जो भी टेलीस्कोप खरीदते हैं उन्हें बेसिक चीज़ें हैं ये चाहिए ही होती हैं, तो कम्बो वाला मॉडल आप खरीद लें। ठीक है दोस्तों, यही था इस वीडियो में। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।